मुझे पता था कि दुबई में भाई शॉपिंग का गढ़ है। पाकिस्तान के साइडेस नॉर्मली छोटे होते हैं। मंजन ये है कि जो हमारा होटल है वो अलाउ नहीं करता कि तो ये इन चार घंटों में ना बहुत अच्छा मौसम होता है। अबाउट टू एंटर इंडिया विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। ये देखो यहाँ पे इजिप्ट की जो है वो मम्मियाँ घूम फिर रही है। अहलन वसहलन मरहबा। तो ये देखो मैं शॉर्ट लेने के लिए आया हुआ था क्योंकि मुझे स्विमिंग के लिए पहनना था। स्विमिंग पूल में शॉर्ट पहनना जरूरी है। 10-10 धर्म के यहाँ पे मिल रहे। थैंक यू। मैं इस वक्त बुर्जुमान में मौजूद हूँ। अगर आप लोगों को भी कम पैसों में चीज़ें खरीदनी है तो यहाँ पे आके खरीद सकते हो। दुकान का नाम क्या है? इजी मैक्स। ये देखो यहाँ पे सस्ती सस्ती चीज़ें लगी हैं। कहानी कुछ यूँ है कि जो है वो मुझे कच्चा लेने आना था। यहाँ पे पैसे भी चेंज करवाने थे, मेरे पास कैश रखे हुए थे डॉलर में, तो दोनों चीज़ें मैंने करवा ली हैं। मैंने ये लिया है 10 धर्म का, जैसे बताया सस्ती दुकान है बुर्जुमान के ऊपर। अगर मैं यही काम सुपरमार्केट से लेता, कारफोर से लेता, 30-40-50 जो है वो धर्म थक जाते। तो भाई क्या जरूरत थी। मैं जो है वो ऐसे ही बजट ट्रैवलिंग करता हूँ, मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। आपको ये चीज़ें ऑनलाइन ही मिलेंगी। जो यहाँ पे लोकल शॉप्स हैं वो ऑनलाइन नहीं होती, आपको लोकल शॉप्स की चीज़ें लोकल शॉप में ही मिल जाएंगी। तो आप वहाँ जाएँ, एक्सप्लोर करें। मुझे उस दिन दिख गया था जिस दिन मैं अपने कज़न के साथ खाने पे आया था, तो मैंने सोचा बस यहाँ आऊँगा, 10 धर्म का कच्चा लूँगा और भाई निकल जाऊँगा। क्योंकि मंजन ये है कि जो हमारा होटल है वो अलाउ नहीं करता कि नॉर्मल शॉर्ट्स में जो कपड़े वाले होते हैं आप वो पहन के नहाएं। उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है उनका, जो कि सही बात है, फॉलो करना चाहिए हम सबको, ताकि एक जो है वो हाइजीन और एक स्टैंडर्ड को वो मेनटेन कर सकें। बस अब जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ता हूँ। ये देखो भाई, ये हमारा होटल है दुबई के अंदर, प्रीमियर इन, मतलब प्रीमियम होटल है वाकई में, जबरदस्त। ऑलमोस्ट 3 स्टार से भी ज्यादा मैं समझ लो रेटिंग दूंगा इसको होटल को। पार्किंग इसके अंदर फ्री है, अगर यहाँ पे भी चाहो तो वैसे लगा सकते हो, बट ये है कि अंडरग्राउंड इनकी पार्किंग बनी हुई है। इधर शेड भी लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है वो आप आराम से जो है वो उसके अंडरकवर कार पार्क है। यहाँ पे देखो सारी ये कार पार्किंग है नीचे। अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई बात यह है कि गर्मी हो रही है टाइड वाली, हफ्स मगर कम है। तो हम लोग जा रहे हैं ये ड्राई क्लीन के लिए, कपड़े देने के लिए, क्योंकि होटल का ये चक्कर होता है कि आपको ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देने होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे उस तरह की लॉन्ड्री वगैरह नहीं होती, तो बस अभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देंगे और उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग ओल्ड दुबई की तरफ, जो कि डेरा दुबई बड़ दुबई होता है। देखो यार दुबई की मेट्रो जो होती है उसके शीशे कितने साफ होते हैं यहाँ पे, कि आपको बाहर का कुछ भी नजर आ जाता है, वो देखो सामने जो है वो दुबई फ्रेम है आपको। ये देखो क्लीन एंड क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ से आप, जो है वो बुर्ज खलीफा भी नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा होगा आपको। ये देखो वो नजर आ रहा। बाकी की हम लोगों ने ट्रेन एक्सपीरियंस किए जैसे सिडनी में, टोरंटो में, तो वहाँ पे धब्बे हल्के हल्के लगे हुए होते हैं, मगर ये लेवल नहीं होता सफाई का। अगर आप लोग दुबई में टूरिज्म करने के लिए आ रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा एक दफा के मेट्रो को एक्सप्लोर करो। अगर आपको समझ में नहीं आती, अगर आप बहुत ही आपको लग्जरी का शौक है, तो फिर आप गाड़ी की तरफ जाओ, क्योंकि गाड़ी जो है वो 60-70 दिरहम्स पर डे के ऊपर मिलती है, और उसके बाद फिर उसका इंश्योरेंस और उसका उसके बाद पेट्रोल, तो आपको शायद टैक्सी सस्ती पड़े अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हाँ, मगर अगर आपको जो है वो ऐसा है कि आपको मल्टीपल जगहों पर जो है वो घूमना है, मतलब अलग अलग जगह जाना है, बच्चों के साथ नहीं हो, तो आप जो है वो डेफिनेटली जो है वो रेंटा कार आप ज़रूर लो, क्योंकि आपसे पैसे बचेंगे आपको। तो अगर आप लोग जो है वो हमारी तरह मेट्रो में घूम रहे होंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ऊपर का व्यू होता है ना, एरियल व्यू, ड्रोन फुटेज का, आपको उस तरह की सारी चीज़ें जो है वो दिखेंगी मेट्रो में। बुर्ज खलीफा भी दिखेगा, तो दुबई का जो फ्रेम होता है वो भी दिखेगा, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, आपको जो है वो मतलब नज़ारे भी अलग होंगे भाई, सेम पैसों में होंगे आपको, और क्या चाहिए। बड़ी जल्दी आ गया माशाल्लाह से, हैं ये बातें करते करते में बुर्जुमान पहुंच जाते हैं हम तो। लिटरली सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही हम बातें करते करते आप लोगों से और पहुंच गए यहाँ पे, नो वेस्ट ऑफ टाइम। और दूसरी बात ये कि हम आप लोगों को एक और टिप देना चाहेंगे, क्योंकि हम समर में यहाँ पे घूम रहे हैं और हम लोग बाहर भी जाते हैं आउटडोर, तो टिप ये है कि भाई अगर आप लोगों को कहीं निकलना हो ना, आप लोग 3 बजे के बाद निकले, अंदर से जैसे आपका कोई टाइमिंग हो या कोई अपॉइंटमेंट या कोई चीज़ बुक्ड हो। अगर नहीं है 3 बजे के बाद निकले, मौसम बहुत बेहतर हो जाता है 3 बजे के बाद और शाम के 7 बजे से पहले, तो ये इन 4 घंटों में ना बहुत अच्छा मौसम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सर्दी पड़ रही हो, लेकिन बेहतर होता है, बेरेबल होता है बाहर, तो हम लोग अक्सर 3 बजे निकलते हैं और शाम के 7 बजे के बाद बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उसके बाद हम इंडोर रहने की कोशिश करते हैं। भाई बात ये है कि अच्छी बेगम होने का मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ, एक तो अरबी साहब जो है ना, शेख साहब पता नहीं बोलते रहते हैं, इतना बोलते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, तो बोलना पड़ता है हमें, क्या करें।
will arrive at platform 1. अबे फटाफट आती है ट्रेनें साली। नहीं वहाँ पे आई इधर। अच्छा उधर आई। बात ये है कि जो है वो अच्छी बिगम होने का मैं बता रहा था फायदा होता है, और वो ये जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि शेख साहब बोलेंगे, क्योंकि हम लोग गलत जगह चले गए थे। जो बुर्ज खलीफा जा रही थी हमें जाना है डेरा सिटी सेंटर, जो इस तरफ जा रही थी ये ट्रेन आ गई है। हाँ बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो जैसे बुर्ज खलीफा इस तरफ, डेरा सिटी सेंटर इस तरफ है, हम बुर्जमान में थे। तो फिर मैंने कहा नहीं हम लोग गलत जा रहे हैं, हमें दूसरा प्लेटफॉर्म लेना चाहिए। तो फिर अब ये प्लेटफॉर्म 1 पे हम आए हैं, प्लेटफॉर्म 2 से निकल के, और अब हम ट्रेन पकड़ेंगे। और बात ये कि मेट्रो की जबरदस्त बात ये है कि यहाँ पे जो है ना हर जगह मैप्स बने हुए, लाइनें बनी हुई हैं, क्लियरली लिखा होता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। हम आगे चलते हैं, इधर वापस चलो, आगे चलते हैं। तो ये स्पेशल वीमेन एंड चिल्ड्रन की केबिन बनी हुई है भाई, क्या बात है सर, हमें यहाँ पे लेकर आए हैं खास तौर पे। हम खाएगा मुफ्ता नहीं, अभी मुफ्ता नहीं, हमें पैसे खर्च करने हैं। यहाँ पे डेरा सिटी सेंटर पहुंच गए, बड़े गरम गरम भपके आ रहे हैं, स्टीम इंजन बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अंदर चलते मॉल में और दिखाते हैं कैसे है। कैसी लग रही है, कंफर्टेबल है पहनने में, और साइज क्या है? लार्ज। पाकिस्तान में हम लोग ये शॉपिंग करना चाह रहे थे शर्ट्स की, अशर के लिए, लेकिन जो भी साइजेस थे वो लार्ज या एक्सेल अशर को आते ही नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान के साइजेस नॉर्मली छोटे होते हैं, और बाहर के मुल्कों में ना लार्ज साइज आराम से मिल जाता है, अशर को तो वही आता है। तो इसीलिए हम यहाँ दुबई से शॉपिंग कर रहे हैं भाई। हम लोग इस वक्त आए हुए कारपोर, ये देखो जबरदस्त जुब्बे लगे हुए, अशर का दिल आ गया है इनमें से एक जुब्बे पे, पहने हुए भी है ये देखो। अभी टोपी पहन के दिखाएंगे आपको कैसे लग रहे हैं। टोपी के ऊपर कौन पहनता है भाई? आलन मसालन मरहबा। अलग अलग वेराइटीज है यहाँ पे, 49 धर्म का भी है, और 109 धर्म का भी है। 109 धर्म की बात ये है कि इसमें जो ना ये इस तरह की डोरी लगी हुई है, बस यही एक फर्क। तो गाइस इस वक्त हम लोग स्प्लैश आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोगों को कुछ अच्छी सेल्स नजर आ रही है शर्टों के ऊपर। मेन की शर्टें ले रहे हैं, तो ग्राफिक टी शर्ट अशर की शर्टें ले रहे हैं, ग्राफिक टी शर्ट लेने आए हैं हम लोग। यहाँ पे देखो डील लगी हुई ऐसी, 29 की एक है, 49 की दो है, तो 50 में दो जबरदस्त है यार। ये देखो इस तरह की दिख रही है, ये वाली शर्ट हैं, ये 50 की दो पड़ रही हैं, यानी कि ये $18 हमने समझने के कैलकुलेट किए हैं, तो $18 की ये दो हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त प्राइस है। और इसके अलावा अगर हम एक लेते हैं तो ये हमें $10 की पड़ेगी, तो समझ लें पाकिस्तानी ₹2000 की एक, और अगर हम दो लेते हैं तो 18 को आप कर ली ₹3600 की दो। अच्छा एक और चीज़ समझ में आई है, ये है वाइट डेनिम, 69 की है ये। ये मुझे लेनी थी वाइट यार, अरसे से ड्यू थी, और मैं सोच रहा था कि भाई कब लूंगा, कहाँ से मिलेगी। तो दुबई इज द हब फॉर शॉपिंग ऑब्वियसली, और जो शॉपिंग करेंगे तो आई थिंक बाद में वेड बीस का बचा सकेंगे जब हम लोग जा रहे होंगे, यानी वो बात की बात है। सो गाइस बात ये है कि ये शॉपिंग मेरी जो थी समझ लो 4-6 महीने से ड्यू थी, और मैंने रोक के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे पहले पाकिस्तान जाना है फिर दुबई आना है। पाकिस्तान में मिले ना मिले स्टफ, मुझे पता था कि दुबई में भाई शॉपिंग का गढ़ है। और देखो कितनी सारी चीज़ें ले रहा हूँ यहाँ पे, क्यों भाई बेगम साहब, मैं तो पाकिस्तान से लाती थी मैंने। हाँ मैंने तो खूब शॉपिंग कर ली, बल्कि मुझसे कह भी रहे थे अब्दुल्ला मामा कि भाई तुम शॉपिंग नहीं कर रही हो, मैंने कहा नहीं भाई मैंने तो पाकिस्तान से कर ली है, मगर फिर भी दिल चाहता है देखने का, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसेस लंबे वाले बहुत अच्छे हैं। चलो जबरदस्त हो गया आपका काम, तो बेहतरीन शॉपिंग हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने अभी अभी फ्री टैक्स प्लैनेट का जो रिफंड होता है वो करवाया है, मतलब यहाँ से प्रोसेस हो गया। और ये बात मेरे दो कज़न ने बताई थी, उमर भट्ट ने, थैंक यू उसका, कि जो भी चीज़ें तुम उस तरह की खरीदोगे जो तुम्हें बाहर लेके जानी है, मतलब शर्टें पेंटे इस तरह की, जो भी क्लोथिंग हो गई, शूज़ हो गए, कंज्यूम जो यहाँ पे करोगे उसके ऊपर तुम्हें ज़्यादा टैक्स रिफंड नहीं होगा ऑब्वियसली, बट जो भी तुम करोगे तो उनको दिखा देना, उनको बता देना विजिट कर रहा हूँ, पासपोर्ट की कॉपी रखना, और वो वैसे मोबाइल के अंदर होती है तो आपको कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। तो ये जब हम एयरपोर्ट जाएंगे तो वो वहाँ से प्रोसेस कर देंगे, तो आप जहाँ जिस कंट्री से भी आ रहे हो, जैसे कि मैं कनाडा से आया हूँ तो वो मेरे कनाडा के बैंक में भेज देंगे, या मैं अगर पाकिस्तान से आ रहा हूँ तो वो पाकिस्तान के बैंक में भेज देंगे, या ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी तुम जा रहे होगे यहाँ पे विजिट करके, मगर जो तुम्हारा लोकल बैंक होगा वो वहाँ पे या तो तुम्हें ट्रांसफ़र कर देंगे और या तो फिर आई थिंक कैश दे देंगे, बट अभी मुझे पता नहीं है इसका। जब हम एयरपोर्ट जाएंगे तो फिर बाकी की डिटेल आपसे तब शेयर करेंगे। ये देखो जब बच्चे थक जाते हैं तो उसके बाद फिर ये हाल करना पड़ता है आपको, ये काम करना है। अगर आपके पास 3-3 स्टॉलर ना हो तो आप फिर ये जुगाड़ कर सकते हैं, फ्री के अंदर जो है ना कारपोर की ट्रॉलियां इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें। इस वक्त हम लोग आ गए हैं अपने बतूता मॉल, तो ये मॉल ऐसा है थीम बेस्ड मॉल है ये। जी हाँ, अंदर जाके देखते हैं। वैसे तो मैंने आई थिंक कई साल पहले देखा था, याद भी नहीं रहा, अब दोबारा देखते हैं कुछ अपग्रेड्स हुए कि नहीं अंदर।
लोग आ गए हैं इब्ने मदीना मॉल के अंदर और ये देखो कितना जबरदस्त जो है वो। दुबई में हर जगह आप चले जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नेक्स्ट लेवल का बना हुआ है भाइयों। ये देखो यहाँ पे इजिप्ट की जो है वो मम्मियाँ घूम फिर रही हैं। क्यों जी मम्मी? ये हाँ ये देसी मम्मी है यहाँ। और बनाए कितनी खूबसूरती से और मेंटेन यार ये मतलब कितने सालों से ये मॉल्स बने हुए और कितनी जबरदस्त मेंटेनेंस है कि मतलब कोई स्क्रैचेस नहीं आते, कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं आते, कुछ नहीं आते। जबरदस्त क्या बात है दुबई की है। इब्ने बतूता मॉल की अगर बात करूं तो इब्ने बतूता मॉल एक थीम बेस्ड जो है वो समझ लो मॉल है और ये इब्ने बतूता जहां जहां ट्रैवल किया था उन्होंने बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर, जैसे हम लोग घुसे इजिप्ट से, उसके बाद आया पर्शिया, फिर आया इंडिया, फिर आया चाइना और भी दूसरे मुल्क हैं छोटे मोटे, तो वहां पे भी वो गए थे। तो ये थीम बेस्ड मॉल है और ये उस तमाम मुल्कों में जहां जहां वो गए थे उस थीम के ऊपर बना हुआ है। और बात यह है कि मजे की शेख ने यहाँ पे जो दुबई वाले हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत तरीके से कैप्चर किया है और मुल्कों की जो थीम है उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की है कि उसके साथ जस्टिस करें। सो गाइस हम लोग तो यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आए हैं और यहाँ के जबरदस्त से स्ट्रक्चर्स और जो अंदर मॉल के खूबसूरत आर्किटेक्चर बना हुआ है अलग अलग मुल्कों का वो हम एक्सप्लोर करने आए हैं। बट जो लोकल आते होंगे दुबई के वो तो शॉपिंग करते ही होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग जो है वो शॉपिंग से ज्यादा जो है ना देखने आते होंगे स्ट्रक्चर्स को। हां के लिए आते हैं यहाँ पे जो है वो विंडो शॉपिंग से मुराद के मतलब देखने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि जो है वो जैसे एक्सट्रीम वेदर हो जाता है बाहर ह्यूमिडिटी भी होती है तो हर वक्त आप बाहर नहीं घूम सकते। इसी तरह कंपेयर करें अगर कनाडा का तो वहाँ पे भी एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, विंटर के अंदर आप बाहर नहीं घूम सकते तो हम लोग मॉल चले जाते हैं। इसी तरह ये लोग यहाँ पे समर में मॉल जा जाते हैं, सेम ही है। बट दैट्स वेरी जीनियस ऑफ देम कि उन्होंने एक अलग से म्यूजियम नहीं बनाया बल्कि उन्होंने मॉल बना दिया कि फ्री में लोग आए और आके एक्सप्लोर करें। दिस इज रियली गुड थिंग अबाउट दुबई। इसके पीछे साइंस है ना वो ये है कि मॉल आएंगे तो कुछ ना कुछ खा पी के या फिर कुछ ना कुछ तो खर्च करके जाएंगे अगर देखने भी आएंगे। ये बात भी है। बादशाह बैठे हुए वजीर के साथ और ये हिसाब किताब कर रहे हैं कि तुम लोग कितने धर्म कितने डॉलर या फिर कितने रुपीस फोड़ के आए हो और क्या क्या किया तुम लोगों ने, कुएं में कितना पैसा आया क्या नहीं आया, कितना तेल बेचा, किसको क्या बेचा, क्या खरीदा, सब बताओ। ये नेक्स्ट लेवल कार है ये तो भाई, खड़े हो गए यहाँ पे, क्लास की कार है भाई, क्या चीज है भाई। जबरदस्ती वीडियो ले लिए बच्चों की, जल्दी से फोटो शूट भी ले लिए भाई। जबरदस्त कैसी लगी तुम लोगों को ये गाड़ी? लेनी है क्या, खरीदनी है? हाँ। ये गाड़ी कितने में खरीदोगे? दो दिरहम। कितने में दिलाएंगे भाई इसकी गाड़ी है? ये गाड़ी कितने में दिलाएंगे? ये गाड़ी कितने में दिलाऊंगा? आई थिंक $500 की दे दे मुझे। $500 की भाई ये गाड़ी हमारी हुई, चलो लाओ दो। लोगे आप ये गाड़ी? बहुत ही हल्की बात कर दी है, $500 नहीं चलो 5000 ले ले, मेरे पास जो मजदा ऐसी हुई है खड़ी हुई है वहाँ पे कनाडा के अंदर उससे एक्सचेंज कर लेते ना, क्या कहती है? अब तो मजा ही आ जाएगा यार, लेकिन $2 मेरे किसी काम की नहीं है इसमें, अली भी नहीं आएगा यार, छोड़ बेकार है भाई, बेकार नहीं है, बेकार मैं दो धर्म के लिए दे रहा हूँ सबको, मैं दो धर्म के लिए बेच रहा हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में, बेकार हो गई। ये सारी जो थीम है ये पर्शिया की थीम है, प्रिंस ऑफ पर्शिया, मास्टरपीस है, अलग अलग चीजें बनाई हुई बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे मतलब शॉपिंग तो बंदा क्या करने आएगा, थीम्स इतनी जबरदस्त है, अपनी आई कैचिंग इतनी जबरदस्त थीम्स है तो डेफिनेटली मस्ट मिलेगा। वो खूबसूरत से जो है वो कैफेज बने हुए, स्टारबक्स बना हुआ है और ये सेंटर पॉइंट है। अभी हमने यहाँ से शॉपिंग की थी स्प्लैश से, वहाँ डेरा सिटी सेंटर से, अब यहाँ पे भी स्प्लैश आ गया, मगर हमें यहाँ पे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी है, हमें सीधा जाना है, हम सिर्फ थीम्स को चेक करने के लिए आए, मॉल को चेक करने के लिए आए, यहाँ पे कैसा मॉल। About to enter India without visa and passport. बस हम लोग एंटर होने ही वाले हैं। स्टेप रख लो भाई। वॉटर पार कर दिया। सो पर्शिया से हम लोग आ गए हैं इंडिया के अंदर। ये देखो इंडियन थीम है यहाँ पे। रूफ आई थिंक सबका इन्होंने सेम ही रखा हुआ। ब्लू ब्लू आसमान तो सबका एक ही जैसा रहता है। थोड़ी बहुत पोल्यूशन वगैरह हो जाती है, वो एक अलग बात है। क्या बात है भाई इंडिया की। हाँ इंडिया में ऐसी पुरानी जो है वो होती थी पुराने जमाने में, इस तरह की मेहराब है और ये सब कुछ होती थी, आई थिंक मुगलों के दौर में होती थी। उसके बाद नए इंडिया में भी काफ़ी जो है वो अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वाइल्ड लेंस बाय अब्रार का जो ट्रिप देखा था मैंने इंडिया का, वो बहुत अच्छा रहा था। तो उसमें उन्होंने काफ़ी इंडिया को जो है वो दिखाया था उसमें, और उन्होंने दिखाया था कि यार वाकई में इंडिया में पहले से ज़्यादा बहुत तरक्की हो गई है चीज़ों में, और जिस तरह उन्होंने जो है वो पुरानी इमारतों को पुरानी चीज़ों को जो संभाल के रखा हुआ है, मेनटेन करके रखा हुआ है, हेड्स ऑफ टू देम, ज़बरदस्त। और सफाई सुथराई के मामले में भी मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई हैं। इंशाल्लाह विजिट करेंगे इंडिया जब भी हम लोग को जिंदगी में मौका मिले। मेरे सामने हाथी देख रहे हैं और ये देख रहे हैं ये इब्ने बतूता की ओरिजिनल घड़ी है ये,
जबरदस्त। और इन्होंने किस तरह संभाल के रखा हुआ है चीज़ों को, एक विरसे को, पूरे जो है वो एंशियंट पूरी हिस्ट्री को जो है वो किस तरह इन्होंने वो किया हुआ है, जबरदस्त तरीके से बनी, क्या बात है। तो पता है बिल्कुल सही दिखाया है, जैसे जो भी लोग इंडिया से भी देख रहे हैं बताना कि ये लोग बिल्कुल मतलब सही तरीके से डिजाइनिंग की हुई है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सही बनाया, जस्टिस किया है। हाँ, हमारे मुगलों का दौर था इंडिया में डेफिनेटली। यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि अल जज़ारी एलिफेंट क्लॉक, इसकी सारी ये हिस्ट्री वगैरह, मैं हिस्ट्री में वगैरह ज़्यादा नहीं जाता, ज़्यादा मुझे कोई शौक वो नहीं है, बट ये कि मैंने कहा आपको दिखा लेता हूँ, अगर कुछ पढ़ना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। तो भाई ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी एक तरह की घड़ी है, पता नहीं चल रहा ना कि घड़ी है, मतलब भाई इतनी बड़ी घड़ी है, इसमें होता क्या है रात के 12 या 1 बजे इब्न बतूता मॉल में, ऐसा मैंने सुना है कि ये जो ऊपर चील नजर आ रही है ना, ईगल, ये बेसिकली बाहर आती है, इसके मुंह के अंदर कोई गोला होता है, वो गोला इस प्याले के अंदर, ये जो सामने प्याला आपको बड़ा सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इस प्याले में गिरता है और इस तरह पता चलता है कि हाँ भाई कौन सा घंटा हो गया है, या मतलब अगर 10 बजे हैं तो 10 गोले आएंगे, 11 होंगे तो 11 गोले आएंगे, इस तरह होता है। मुझे लगता है कि एक गोला गिरता है तो इस तरह एक एक घंटा आगे होता रहता है, बट व्हाटएवर, जो भी है कुछ इस तरह का सिनेरियो है। और ये ना घड़ी इतनी पुरानी है, पता नहीं पहले के जमाने में किस तरह की घड़ियाँ हुआ करती थी। We are about to enter China. ये चाइना में सना भी जा रही है चीचा पीपा करने के लिए। चाइना का वो जैसे ही आता है ना नाम, मतलब चाइनीज इस वक्त तो कॉम दुनिया में सबसे आगे भाई जा चुकी है, क्या बात है उनकी। और मतलब रेड जो है ना उनका, रेड और ड्रैगन जो होता है ना, ये उनकी जो है वो खास पहचान है। वियतनामीज के भी मैंने देखे ड्रैगन और चाइनीज़ के भी, उसके बाद फिर मैंने देखे ड्रैगन, और रेड कलर जो होता है मतलब ये खास होता है चाइनीज़ का जो है वो, आई थिंक कोई चाइनीज़ हो अगर देख रहा हो गलती से तो बताना, उर्दू उसको आती हो मजाक कर रहा हूँ, तो जो है वो, या फिर कोई चाइना गया हो या कुछ हो तो बताना, मतलब वहाँ पे भी ऐसी थीम्स होती हैं या फिर क्या एक्स्ट्रा चीज़ होती है। तो मैं इस मशीन की बात कर रहा था, ये है टैक्स फ्री प्लानट की मशीन, इसमें जो आप रिसीप्ट होती है आप वो डालें, और साथ में अपना जो है वो पासपोर्ट होता है या फिर बोर्डिंग पास होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप साथ में जो है वो डालें, डिटेल डालें, आप कौन से कंट्री से हैं, क्या है क्या नहीं है, सो योर रिफंड हेयर, ये यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह प्रोवाइड अ वैलिड कार्ड, मतलब आप सारे ही अपने कार्ड वगैरह प्रोवाइड कर दें तो ये आपको जो है वो आपके जो भी कार्ड होगा उसमें ही जो है वो आपको ट्रांजेक्शन कर देंगे। ये ज़बरदस्ती कॉरिडोर चल रही है चाइना कोर्ट की, एंड इट इज डेफिनेटली इम्प्रेसिव, सीरियसली यार बहुत ही अमेजिंग तरीके से कैप्चर किया है तमाम मुल्कों को, जो भी हमने 4 मुल्क अब तक देखे हैं। ये देखो यार नेक्स्ट लेवल जहाज बना है, मतलब यहाँ पे दुबई वालों ने क्या क्या खड़ा किया हुआ यार, ये देखो जबरदस्त पूरा ओरिजिनल जैसे जहाज बना के, और ऊपर की चील के साथ उसको मैच करके कलर वलर, और यहाँ पे जबरदस्त देखो क्या ऐसा लग रहा है ओरिजिनल जहाज है। इब्ने बतूता इसके ऊपर सफर किया करते थे, मुल्क गए, इजिप्ट गए, इजिप्ट से जो पर्शिया गए, वहाँ से इंडिया आया, और फिर इंडिया से चाइना गए। आ गए एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, ये डिस्कवरी गार्डन के पास ही है, और इस वक्त क्योंकि दुबई में बात ये है कि बहुत कम चीज़ें जो है वो रात में खुली होती हैं, अभी पता चला है रात को 12 बजे के बाद काफ़ी ऑप्शन कम रह जाते हैं। कमेंट्स के ऊपर बताना मतलब दुबई में कौन कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे बिरयानी देर तक मिल रही होती है, और अच्छी बिरयानी मिलती है, मतलब कराची वाली बिरयानी जो कराची का लेवल होता था और देर तक भी खुला हुआ, वो भी बताना कमेंट्स के अंदर। और जो है वो अब खाना ऑर्डर किया है जिसमें हमने 3-4 चीज़ें अलग अलग तरह की, भूख बहुत लग रही है इस वक्त, एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई है। तो गाइस हमारा खाना आ गया है माशाल्लाह से यार, बहुत जोर की भूख है, तो हम लोग बस खाना खाएंगे, बारबेक्यू का पूरा प्लेटर है, दाल भी है और चिकन कढ़ाई भी है, पिशावरी चिकन। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ सरहद दरबार जो एक डिस्कवरी गार्डन पे था, यहाँ पे हमने खाना खा लिया है, अच्छा था, एक नॉर्मल फैमिली के लिए काफी रीजनेबल खाना था, जैसे कि हांडी वगैरह आराम से जो है वो 2 लोग खा सकते हैं एक प्लेट, तो इस तरह काफी रीजनेबल था, और हम लोगों ने जो है वो काफी इंजॉय किया खाना, और टेस्ट भी ठीक ठाक था, फ्रेश भी था। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का दिन हमारा बहुत इंजॉय किया होगा, और दुबई में जबरदस्त और व्लॉग आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।